हेलो दोस्तों, आप लोग का यजडी टेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग को लेटर कैसे आप लोग मराठी में लिख सकते हो वो मैं आप लोग को बताऊंगा। तो सिंपल सा स्टेप वाइज स्टेप आप लोग पूरा वीडियो देखना, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो क्या है रजासाठी अर्ज पत्र? रजासाठी अर्ज पत्र है। सबसे पहले आप लोग को क्या लिखना है, प्रति माने प्रधानाचार्य, विद्यालय चुनाव, और उसके बाद क्या लिखना है आपको नीचे वहाँ ठिकान, फिर नीचे क्या लिखना है वो एड्रेस है सिंपल सा। उसके बाद आपको नीचे वाले में लिखना है आपको दिनांक, उसके बाद विषय आपको क्या लिखना है, विषय 3 दिवसाचा छुट्टी बाबत, ये क्या हो जाएगा आपका विषय हो जाएगा सिंपल सा। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है, एक लाइन छोड़ देना है। उसके बाद क्या लिखना है, महोदय, क्या लिखना है, महोदय लिखना है। महोदय लिखने के बाद वरिल विषयात अनुसरुन मी अपना सांगू इच्छतो या इच्छते की मी काल पासून ताप व डोके दुखीने त्रस्त आहे व असा स्थित मी विद्यालयात काही दिवस उपस्थित रा सकनार नाही। डॉक्टरांच्या मळ्यानुसारे मला किमान 3 दिवस आरामची विश्रांतीची गरज आहे, त्यामुळे मला आपल्याकडून पुढील 3 दिवसाची रजा छुट्टी हवी आहे। कृपया आपणास विनंती आहे की दिनांक, ये जो ब्रैकेट आप लोग को दिया हूँ यहाँ आप लोग को पहला डेट लिखना है जिस तारीख से आपको छुट्टी लेना है। उसके बाद सिंपल सा आप लोग को ये वाला तारीख जो आपको जितने तारीख तक चाहिए छुट्टी यहाँ, या तारीख प्रयत ची माझी रजा स्वीकार करावी याबद्दल मी आपला या आपली उसका आभारी राहीन आपला लड़का है तो आपला या आपली अज्ञार्थी नाम, अपना नाम लिखना है, वर्ग कौन से सेक्शन में हो और हाजिरी क्रमांक है आप लोग को सिंपल सा कौन सा आपका रोल नंबर है। ये हो गया आप लोग का पूरा, एक बार मैं फिर वापस आप लोग को पूरा दिखा देता हूँ। अगर इस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे इसी तरीके से नॉलेज और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। थैंक यू ऑल माय फ्रेंड।